आलू और चावल के बने हुए ये कुरकुरे और चटपटे नगेट्स आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। बनाना बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में ये बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। नगेट्स बनाने के लिए लेने हैं उबले हुए आलू। ये मैंने 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं जिन्हें कद्दूकस कर लिया है। और ये है चावल, पके हुए चावल हैं जो लंच में बनाए थे, बच गए थे, तो मैं यहाँ पर इनका यूज़ करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इनको पीस लिया है, ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना है। अब इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स 4 से 5 बड़े चम्मच। 2 से 3 ब्रेड को आप बारीक पीस कर इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच डालेंगे ओरेगैनो, इनकी जगह पर आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, 5 से 6 कली लहसुन की बारीक कटी हुई, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, ये मैंने 1 छोटी चम्मच नमक डाला इसमें, 1 से 2 छोटे चम्मच इसमें डाल देंगे बटर, बटर से नगेट्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, 1/4 छोटी चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर। अभी इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अभी इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। 2 से 3 बड़े चम्मच डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर की जगह पर आप अरारोट का भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते टाइम अगर आपको लगे कि जो मिक्सर है वो ज़्यादा पतला है तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या अरारोट और ऐड कर सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड और हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे जिससे कि जो मिक्सर है वो हाथों से चिपकेगा नहीं, और मिक्सर को थोड़ा सा स्मूथ करते हुए इस तरह चौकोर शेप में करेंगे। चौकोर शेप में मिक्सर को फैलाने के बाद अब इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालते हुए इसे थोड़ा सा पतला और करेंगे। हमें जो नगेट्स हैं वो ना ज़्यादा मोटे बनाने हैं और ना ही ज़्यादा पतले बनाने हैं। अब इन्हें नगेट्स की शेप देने के लिए इस तरह नाइफ से कट करेंगे, जैसे बर्फी कट करते हैं वैसे ही आपको इसे कट करना है। अगर नाइफ से मिक्सर चिपकेगा तो आप इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर या फिर थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। नगेट्स को कोट करने के लिए हमें एक घोल बनाना है, जिसके लिए आप मैदा, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर कुछ भी ले सकते हैं। ये मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। इसमें लगभग 1/4 कप पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स, ज़्यादा अमाउंट में नहीं डालेंगे, और 1 से 2 पिंच डालेंगे इसमें नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नगेट्स को पहले जो हमने घोल बनाया है उससे कोट करेंगे इस तरह से, उसके बाद इन्हें ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। इससे जो हमारे नगेट्स हैं वो ऑयल में फ्राई करते टाइम फटते नहीं हैं और काफ़ी क्रंची बनते हैं। सभी नगेट्स को कॉर्नफ्लोर मिक्सचर और ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लेंगे। इन्हें आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में फिल करके 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज़र में, और जब भी मन करे तब फ्राई करके इन्हें सर्व कर सकते हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो आप इन्हें तुरंत की तुरंत फ्राई करके तुरंत सर्व कर सकते हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए आप ऑयल रखेंगे मीडियम हॉट, जिससे कि जो हमारे नगेट्स हैं वो अच्छे क्रंची बनेंगे। ऑयल में नगेट्स को डालने के बाद इन्हें तुरंत स्पून से टच नहीं करेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए इन्हें अच्छे से फ्राई होने देंगे एक साइड से, उसके बाद इन्हें पलट पलट कर अच्छा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अच्छा गोल्डन सेकने के बाद अब इन्हें निकाल लेंगे ऑयल में से और सर्व करेंगे सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।